तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सटेंशन का मतलब क्या है और एजुकेशन का मतलब क्या है। तो एजुकेशन का मतलब हमें सब लोग जानते हैं, शिक्षा। ठीक है, और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक्सटेंशन जो है वो दो ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एक्स और दूसरा है टेंसियो। ये दो शब्दों से, एक्स और टेंसियो से मिलकर बना है हमारा एक्सटेंशन, जिसमें से एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। और टेंसियो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो फाइनल अगर हम देखें एक्सटेंशन एजुकेशन जो ये वर्ड है हमारा, इसका फाइनल मतलब क्या बनता है? तो इसका मतलब है कि आपने अपने 4 साल के बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम में जो भी सीखा, ठीक है, वो आप जाकर किसी विलेज में जाकर एक फार्मर को वो सारी नॉलेज शेयर कर रहे हो। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान आपने 4 साल जो भी कुछ सीखा, वो सारी चीजें आप किसी एक गांव में जाके वहां के फार्मर को बता रहे हो, ताकि वो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, इतना चीज समझ गए? अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो एजुकेशन का मतलब भी देख लेते हैं। एजुकेशन का है, हमने मतलब जान लिया ये, लेकिन ये एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है? तो ये भी एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसके और ये लैटिन कौन सा वर्ड है? तो ये एडुकेयर से आया है। ठीक है, EDUCARE, ये एडुकेयर से आया है एजुकेशन। ये चीज आपको क्लियर हो गई? तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एजुकेशन का एक डेफिनेशन। वैसे तो कई सारे डेफिनेशंस हैं एजुकेशन के। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस। ध्यान रखना है डेफिनेशन में, आपको हमेशा लिखना है एजुकेशन इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, आप अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, ये कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस। ठीक है, ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर। क्या चीज में चेंज लाना है? बिहेवियर में ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या डेफिनेशन होगा एक बार फिर से पढ़ो। एजुकेशन इज अ प्रोसेस, ध्यान रखना ये बात, एजुकेशन एक प्रोसेस होती है ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिजायरेबल चेंजेस लाता है। किसमें चेंज लाता है? तो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर में। सिंपल है, क्लियर डेफिनेशन है इसकी। अब अगर हम आगे बढ़े तो डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब एजुकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो एजुकेशन के कौन से 3 भागों में बांटा गया है, ये देख लेते। तो इसका पहला टाइप है फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। और तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब अगर हम बात करें कि ये तीनों चीजें होती क्या है, ठीक है, ये फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन
इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो देखो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ पहले, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें आप स्कूल या कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है, स्कूली या फिर कॉलेज की जो एजुकेशन होती है, जो पढ़ाई होती है, वो चीजें इंक्लूड होती है इसमें, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, आप डे टू डे लाइफ में जो भी चीज देखते हो आसपास, वो सीख रहे हो, वो चीज होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ये होता है कि आप कोई किसी चीज का पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो, 1-2 महीने या फिर 3 महीने, ऐसी चीजें, जैसे कि आपने स्विमिंग का कोर्स कर लिया फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे आपने स्विमिंग का कोर्स किया, कोई भी एक्टिविटी जो आप सीख रहे हो अपने फ्री टाइम में, तो वो आ जाती है इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब तीनों को बारी बारी हम देख लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ हो गया इनफॉर्मल, और ये हो गया हमारा नॉन फॉर्मल, ठीक है। तीनों को ऐसे डिफरेंस करके अगर हम समझेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। देखो कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे कि फॉर्मल, जैसे कि मैं यहाँ पर क्राइटेरिया लिख दे रहा हूँ कि पहला क्राइटेरिया है अटेंडेंस, अटेंडेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि ये आप स्कूल या फिर कॉलेज में इसको सीखते हो, तो इसमें तो अटेंडेंस कंपलसरी होती है, तो यस कंपलसरी। इनफॉर्मल चीज में मैं आप इनफॉर्मल एजुकेशन में मैंने आपको क्या बताया कि आप कुछ भी देख रहे हो, बाहर जा रहे हो, रोड पे हो, अगर अपने कोई सिग्नल देखा, देख के समझ रहे हो कि सिग्नल रेड है मतलब रुकना है, तो जो भी चीजें आप आसपास देख रहे हो वो सीख रहे हो, तो वो चीज आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें कोई भी सिलेबस पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन है भाई, हमने रास्ते चल रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं, अपने जीवन में कुछ कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसमें कोई भी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती है, तो यहाँ पर नो लिख देंगे। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में अटेंडेंस आपके इच्छा पे डिपेंड होती है, अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, स्विमिंग सीख रहे हो, तो भाई अटेंडेंस देनी है, अगर मेरा मन नहीं है सीखने का तो मैं अटेंडेंस वहां पर नहीं दूंगा, तो इसका हो जाता है पार्टिसिपेशन वॉलेंटरी, पार्टिसिपेशन वॉलेंटियर, मतलब कि इच्छा अनुसार कि मेरा मन है सीखने का तो मैं सीखूंगा, यह है इच्छा अनुसार, ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, इच्छा अनुसार, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट है सिलेबस, कि भाई कौन कौन से एजुकेशन में, किस किस एजुकेशन के टाइप में हमारा सिलेबस है, फिर कोई करिकुलम फिक्स होता है। तो जो आप फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हो स्कूल में कॉलेज में, उसमें तो सिलेबस आपका होता है, तो यस सिलेबस इज फिक्स्ड, सिलेबस या फिर करिकुलम इज फिक्स्ड। अब आ जाओ इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में चीजें देख के सीख रहे हैं अपने जीवन में, तो इसमें तो कोई सिलेबस होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता इसमें। अब आ जाओ नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, तो इसमें सिलेबस होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबल लिख देते हैं। कई बार कुछ चीजें हम खुद से सीखते हैं, अब स्विमिंग करना है उसमें थोड़ी कोई सिलेबस डिसाइड होता है, उसमें मेरा कोच बताता है, जैसे वैसे हम करते रहते हैं, तो इसमें सिलेबस नहीं होता। हाँ अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, तो वो है मोड ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है, इसका मतलब मोड ऑफ इंटरैक्शन। तो मोड ऑफ इंटरैक्शन इसमें कैसा होता है, फॉर्मल एजुकेशन में वर्टिकल होता है। वर्टिकल क्या हुआ भाई, देखो वर्टिकल का मतलब है कि वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें आपको टीचर सिखा रहा है, टीचर सिखा रहा है स्टूडेंट को, ना कि स्टूडेंट टीचर को सिखाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर आपको बता रहा है सारी चीजें, तो ये वर्टिकल मतलब वन वे कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में ये ऐसा कुछ नहीं होता है, और नॉन फॉर्मल में
ये चीजें हॉरिजॉन्टल होती है। मतलब कि आपके तरफ से भी कम्युनिकेशन हो सकती है और कोच या इंस्ट्रक्टर की तरफ से भी कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो यही मेजर 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंस करने के लिए। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी, बाकी आपको अच्छे से नोट्स जो है वो पीडीएफ में के फॉर्मेट में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाओ तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन, डेफिनेशंस तो वैसे बहुत सारे लोगों ने दी है एक्सटेंशन की, लेकिन कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस होते हैं जो कि, तो जिन्होंने ये डेफिनेशन दी उनका क्या नाम था, लिगेंस, जेपी लिगेंस, ठीक है, ये नाम था उनका। इन्होंने क्या बोला कि एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझेंगे, ठीक है। तो लिगेंस के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है एक्सटेंशन एजुकेशन की वो क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपल। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, रूरल पीपल को टीच करने का एक प्रोसेस है। क्या उसमें बताना है लोगों को, हाउ टू लिव बेटर बाय लर्निंग वेज टू इम्प्रूव देयर फार्म होम एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें रूरल पीपल को सिखाते हैं कि वो अपने जीवन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने फार्म को इम्प्रूव करके, अपने होम को इम्प्रूव करके और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करके वो कैसे एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो यही होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर आता है स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। भाई एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ रहे हैं लेकिन उसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। अगर आप रूरल पीपल को एजुकेट करते हो, उनको बताते हो कि वो चीजें कैसे कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, उनकी लाइफ इंप्रूव होगी और इसके थ्रू उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो पहला लिख देंगे एफिशिएंसी, इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। अब सोचो और इसके स्कोप क्या हो सकते हैं, तो एक स्कोप ये हो सकता है इसका कि अगर हम फार्मर्स को एजुकेट कर दें कि वो चीज़ें कैसे होती हैं एग्रीकल्चर में, कैसे हम सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग तक सारी प्रोसेस अगर हम उनको अच्छे से समझाएं, जो साइंटिफिक प्रोसेसेस होती हैं, मार्केटिंग का बताएं उनको, वो अपने प्रोड्यूस कहाँ सेल कर सकते हैं वो बताएं, तो उनकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं एफिशिएंसी, ENCY, ठीक है, ये स्पेलिंग आप लोग एक बार चेक कर लेना, क्या था, एफिशिएंसी इन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, ये हो गया हमारा दूसरा स्कोप। अब तीसरा स्कोप क्या हो सकता है, एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू हम रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे रूरल एरिया डेवलप या फिर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, अगर हम फार्मर्स को बताएं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं तो वो डेवलप करेंगे, मतलब कि गांव के क्षेत्रों का विकास होगा, ठीक है, वो चीज़ें समझेंगे कैसे होती हैं सारी चीज़।
एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू हम यूथ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्कोप होते हैं इसके, जो कि आपको नोट्स में प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। अगर मैं सारे स्कोप बताने बैठ गया तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वीडियो में आपको सिर्फ समझना है चीजें को, कुछ भी यहाँ पर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट लगे वो चीजें आप नोट करते रहो। और नोट्स के लिए तो आपको मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखने देते हैं। आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक, ये रहेगा हमारा। ठीक है, अगला टॉपिक रहने वाला है एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है 4-5 स्टेप का, कि किस तरीके से एक्सटेंशन एजुकेशन काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, तो वो प्रोसेस एक डिटेल में हम उसको एक अगले वीडियो में समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के एक और वीडियो में।